सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या पर आने वाले फैसले से पहले यूपी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। उच्च अधिकारियों को जो भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसका पालन कराया जा रहा है। महोबा में भी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। महोबा के एसपी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी वहीद अहमद ने। आने वाले फैसले को लेकर जहां पूरे प्रदेश में लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, वहीं महोबा जनपद पे पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है। मेरे साथ इस समय पुलिस अधीक्षक महोबा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या तैयारी है। सर, सबसे पहले आने की टीम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अयोध्या का जैसे जिस तरीके से फैसला आने वाला है तो महोबा जिला प्रशासन क्या तैयारी कर रहे हैं सर? ये जो उच्च स्तर से जो भी निर्देश आ रहे हैं यहाँ पर उसका अक्षर पालन कराया जा रहा है। हमारा जो डेली गश्त है पब्लिक से जो मेल मिला पे उसको बढ़ाया जा रहा है। जो हमारे संग्राम नागरिक हैं, जो छोटे मोटे संगठन हैं, उनके जो नेतागण हैं, पुजारी मौली सबसे बातचीत की जा रही है। क्षेत्र में पूरी पुलिस भ्रमणशील है। इसके अलावा हमारे जो दंगा नियंत्रण योजना है उसको भी अपडेट करा कर जोन और सेक्टर में बांट कर उसको भी लागू कराया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। इसके अलावा जो हमारा ऐसे जो तत्व हैं जो कुछ दिक्कत कर सकते हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और उन पर भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई कराई जाएगी। तो ये थे पुलिस अधीक्षक महोबा मणिलाल पाटीदार जी। उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था कायम करने के लिए महोबा में किस तरीके से पुलिस काम कर रही है। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ वहीद अहमद, R9 TV, महोबा।